मनीष सिन्हा हूँ और मैं इंश्योरेंस के जगत से संबंधित जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 18 साल से मैं जॉब हूँ इंश्योरेंस में, और पहले मैं ट्रेनिंग में भी था, अभी सेल्स में भी हूँ और ब्रांच को भी देख रहा हूँ। और ज्योतिषी का मैंने ये दीपक गुप्ता जी से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, मैं पहले पिछली कंपनी में काम करते थे और उनसे मैंने कई बार सलाह ली जो बहुत ही सही सलाह आई मेरे लिए। तो फिर धीरे धीरे मैं दीपक गुप्ता जी के पास लगातार जाता था और फिर अल्टीमेटली फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत अब इसे खुद सीखा भी जाए। तो सीखने के लिए मैंने ये वर्कशॉप पहले एक अटेंड की थी उनके घर ऑफिस पे जाकर, अब ये दोबारा वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला और इसमें बड़े अच्छे अच्छे चीज़ सीखने को मिले हैं मुझे, खासकर किस तरीके से हर एक एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गई, इसके बारे में कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, किस तरीके से नक्षत्र सब लॉट वगैरह देखा जाता है, क्या इसमें यूज़ होता है। और मुझे बहुत ही इसमें जानकारी के बारे में बहुत अच्छा लगा, मुझे एस्ट्रोलॉजी की जानकारी मिली और मैं इस तरह के वर्कशॉप और भी अटेंड करना आगे चाहूँगा। कैसा अनुभव रहा इस सेमिनार का? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, दीपक जी ने बहुत ही ये बोर्ड पे खोल के बताया सारी चीज़ों को, एक एक डाउट्स उन्होंने क्लियर किए और काफ़ी उन्होंने रीडिंग मटेरियल भी दिया है जिसको देखने और पढ़ने के बाद और अच्छा हम इस पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। एक अच्छे ज्योतिषी की क्या पहचान बता सकते आप? एक अच्छे ज्योतिषी की पहचान यही है कि वो वेट करता है सामने वाला प्रश्न पूछे, ना कि हर जगह जाके खुद अपना बताए, वो सामने वाला प्रश्न पूछे, उसको नक्षत्र कैलकुलेशंस वगैरह अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा कि उसके टिप्स पे रहने चाहिए कि कौन से सबलॉट और कौन से क्या चीज़ क्या इंडिकेट करते हैं, ये सारे उसके टिप्स पे रहने चाहिए।